तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ब्रेक में इसलिए दी जाती है क्योंकि कार्यक्रम में हम बहुत कुछ नहीं बता पाते हैं. तो आप लोग प्लीज़ अपने सॉल्यूशंस के लिए तैयार रहें, क्वेश्चंस हमारे साथ करिए ताकि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे साथ बातचीत करने की, स्पेशली डॉक्टर पुनीत चावला जी से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेने की, तो ज़रूर लीजिए. और साथ साथ बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं तो बुक्स भी आपको बता दूँ मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं. कोई यंत्र वास्तु के हिसाब से आपको बताया जाता है तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मैं चाहती हूँ डॉक्टर पुनीत चावला की हमारे जो प्रिय दर्शक हैं वो हमेशा हेल्दी रहें, अपना ध्यान रखते तो हैं मुझे पता है क्योंकि वो इतने अलर्ट रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हेल्थ को लेकर हम कम कॉन्शियस रहते हैं, शायद बिजी इतने हो जाते हैं या हमारा ध्यान ही धर नहीं जाता, तब क्या करें? तीसरी टिप में हम इसको कवर करते हैं. चलिए ठीक है, तो तीसरा उपाय क्या है देखते हैं. दोस्तों हेल्थ बहुत बड़ा हमारे लिए असेट होता है. मैं असेट्स मानता हूँ अपनी लाइफ में जितने भी अचीवमेंट्स होती हैं. अगर आपके घर में हेल्थ अच्छी नहीं है तो जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं वह परेशान रहते हैं, उनकी ग्रोथ भी हैम्पर हो जाती है. आपकी वाइफ की हेल्थ ठीक नहीं है तो आप जॉब कैसे करेंगे या बिजनेस कैसे करेंगे, सारा टाइम आप उनको मेडिकल ट्रीटमेंट ही देते रहेंगे तो आपकी पूरी फैमिली एकदम डिसफंक्शनल हो जाती है. बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, ना उनको प्रॉपर खाना मिल पाता है ना उनको प्रॉपर स्टडीज़ मिल पाती हैं. तो आपकी हेल्थ पूरे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ आपके लिए. नॉर्थ ईस्ट जिम्मेवार है आपकी हेल्थ के लिए. दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टोर बनाया है, नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ियाँ बनाई हैं, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बनाया है, नॉर्थ ईस्ट अगर कटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में पिलर है, नॉर्थ ईस्ट में कोई आपने किचन बना दी है, स्पेशली हाउस लेडीज़ की जो हेल्थ होती है नॉर्थ ईस्ट की किचन की वजह से ख़राब हो जाती है. नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने इन्वर्टर रख दिया तो यह सब चीज़ें हैं नॉर्थ ईस्ट को ख़राब कर देती हैं और इसका सबसे पहला असर पड़ता है आपके घर की हेल्थ के ऊपर. तो नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखें और बहुत बड़ा डिफेक्ट है तो उसे ठीक करें, अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट का यंत्र नॉर्थ की दीवार पर लगाने से आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा. चलिए, और अगर आप लोग स्वस्थ रहते हैं हमेशा तभी आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है. चलिए कॉलर से बात कर लेते हैं. नमस्कार जी, स्वागत है आपका. जी हम तनी घर के बारे में जानना चाहते हैं. पश्चिम में हमारा गेट है तो ये जो बाथरूम लेटरिंग होता है कौन सा करना चाहिए, पश्चिम दरवाजा है पूरब में? आपने बताया कि पश्चिम की तरफ दरवाज़ा है और बाथरूम कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ नहीं होना चाहिए पहले मैं ये बताता हूँ. नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, ईस्ट में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए. जो दिशाएँ रह गई आप उनमें बाथरूम टॉयलेट बना सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर कौन है जानते हैं. स्वागत है आपका. लगता है उनसे हमारा संपर्क जो है टूट गया है. अगले कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं. स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए कौन है आप. लगता है दोनों ही वेट करके फोन लाइंस कुछ कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है. आप लोग जो है कार्यक्रम के बाद भी संपर्क में रह सकते हैं, आप विजिट के लिए बुलाना चाहते हैं तो फोन लाइंस आपके लिए खुली रहती हैं. आप लोग अपॉइंटमेंट लेकर बातचीत करके अपने लिए पर्सनली इनवाइट भी कर सकते हैं डॉक्टर पुनीत चावला जी को. आपको अपने घर का, मकान का, यानी कि जिस घर में आप रहते हैं जो कि स्वर्ग के समान होता है, या फिर जहाँ पर आपकी फैक्ट्री लगी है, दुकान है, आप चाहते हैं आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा डेवलप करे तो उसके लिए भी आप लोग सोल्यूशंस जान सकते हैं सनी कांटेक्ट करके. नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं, कौन है जानते हैं. नमस्कार जी, कार्यक्रम में स्वागत है, बताएं कौन बोल रहे हैं. जी मैं रिजवाना कुरैशी बोल रही हूँ औरंगाबाद से. हाँ जी, जी बताइए बताएं. एक्चुअली मेरे घर में ये प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड की मेरी तो बिल्कुल भी नहीं जमती है. वो मुझे कुछ बोले तो मैं उनको कुछ बोलती हूँ, मैं मतलब वो मेरा नहीं सुनते, मैं उनका नहीं सुनती हूँ. कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं. आपको इसके लिए दिशाओं का ज्ञान रखना होगा. दक्षिण और दक्षिण जो पूर्व होता है उस दिशा में जल का, पानी का कोई भी सोर्स नहीं होना चाहिए. अगर कोई सोर्स है तो उसे बंद कीजिए. आपकी साउथ ईस्ट की जो दिशा है, दक्षिण पूर्व की जो दिशा है, उसमें लाल रंग करवाइए. आपका बेडरूम इस दिशा में नहीं होना चाहिए. उपाय के लिए आपके अपने बेडरूम में रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की दो बॉलें, पिंक कलर का यह क्रिस्टल होता है,
प्यार से रिलेटेड यह क्रिस्टल होता है और आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसको ठीक करता है। तो इसकी दो बॉलें अपने आमने सामने रखें, अच्छा रहेगा। और दक्षिण पूर्व में 9 कार्नेलियन स्टोन्स यह रखें, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। चलिए, अगर मैं डॉक्टर पुनीत चावला जी, अगर आपने बताया कि हेल्थ को लेकर ये दिशा होनी चाहिए, इसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मैं कलर्स की बात करूँ क्योंकि वास्तु के हिसाब से कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। कलर्स कौन सा होना चाहिए, मतलब किस जगह पे कैसा होना चाहिए, बच्चों के लिए देखें या हम महिलाओं के लिए देखें, तो क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत वाइड क्वेश्चन है कि कलर कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए। इनअप्रोप्रिएट होगा कि मैं यहाँ पूरे कलर्स को डिस्क्राइब करूँ। सबसे पहले आपको मैं यह बताऊं कि हर एक दिशा का अपना अपना कलर उसकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली होता है। और हमारे लिए, हमारी जो बॉडी होती है उसकी भी कलर लाइकिंग हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंगली होती है। अब समझ लीजिए, कोई बहुत ही लो एनर्जी वाला इंसान है जो बहुत ढीला ढाला रहता है, बहुत एनर्जी नहीं है, घूमने फिरने में बिलीव नहीं करता, तो उसको लाल रंग देना उसकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमें अपने घर में डल कलर्स नहीं करने हैं। अच्छा, एकदम पेस्टल कलर्स नहीं करने हैं, डार्क एंड लाइट शेड्स करने हैं। डे एंड नाइट का जैसे बैलेंस होता है, दिन में बहुत रोशनी होती है, रात को बहुत शांति होती है, डार्क शेड्स होते हैं। तो अगर पूरा घर डार्क कर देंगे तो डल एनर्जी आ जाएगी। तो हमें मेल एंड फीमेल कॉम्बिनेशन अपने घर में कलर्स को लेकर के रखना है। अगर आप शर्ट लाइट डालते हैं तो ट्राउजर डार्क डालते हैं। इसी तरीके से कलर कॉम्बिनेशन की मैचिंग हमें अपनी जिंदगी में लेके आनी है। और आप अगर कहेंगे, अगर हमारे दर्शक कहेंगे, तो हम कलर्स के ऊपर एक पूरा शो करेंगे, इवन कहेंगे कि एक सीरीज हम कलर्स पर कर लें, तो कलर्स इतने वाइड हैं। क्योंकि यही कलर्स हैं जो हमारे जीवन में सुख दुख को भी बताते हैं। कहते हैं ना कि जैसे आपकी चॉइस है, जैसे आपको जो कलर पसंद आता है, उससे पता चलता है कि आपका नेचर कैसा है। तो इसके पीछे भी क्या थेरेपी, क्या बेसिक्स होते हैं, वो भी समझने की कोशिश हम अगले कार्यक्रम में या जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे उनमें कोशिश करेंगे। कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी मैडम। हाँ जी, बताएं कौन बोल रहे हैं और सवाल कीजिए। श्याम जी से बोल रहे हैं, राजस्थान। अच्छा जी, बताइए। हमारे घर में डॉक्टर साहब परेशानी ऐसी है कि पैसे कितने भी कमाओ जी, लेकिन जेब में टिकते नहीं है पैसे। जेब में टिकते, क्या पता कहाँ खर्च होते हैं। तो जेब से आप कहीं पैसे रखते हैं या सिर्फ जेब में आते ही खर्च हो जाते हैं? आते ही खर्च हो जाते हैं उनका। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि पैसे रखने का कोई ना कोई ठिकाना आपको घर में ज़रूर बनाना है। चाहे पैसे आप उसमें 24 घंटे के लिए रखें, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट की दिशा में पैसों को ज़रूर रखें। एक सेफ बनाएं, लोहे की सेफ होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। साउथ की दीवार पर लगाएं ताकि वह नॉर्थ में खुले। उस सेफ में आप पीली कौड़ी रखें, गोमती चक्र रखें और पैसे भी रखें, चाहे थोड़ी देर बाद चाहे अगली सुबह उसको निकाल लें। और जब भी जेब में पैसे रखते हैं, वॉलेट में रखते हैं, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखें, यानी कि पहले 10 का नोट, फिर 20 का, फिर 50 का, फिर 100 का, फिर 500 का, फिर उसके बाद उससे ऊपर। तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगे आपसे और बरकत भी रहेगी आपके पास। चलिए, अब जानते हैं कि हम मान सम्मान कैसे अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका जो खुद का मान सम्मान है वो कभी नीचा हो, और शायद इससे ऊपर जाकर लगता है कि उसका जीवन ही व्यर्थ हो गया, क्योंकि उसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं होता। इसके लिए हम क्या ध्यान दे सकते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य सबको चमका देते हैं, हमारे खाने पीने के लिए जो फसल है उसे एनर्जी देते हैं। हमें अगर दो दिन अगर सूर्य नहीं देखने को मिलते तो हमारी बॉडी डल हो जाती है। तो सूर्य जो है हमें चमक देते हैं, तो हमारे भाग्य को भी चमकाते हैं और हमारे मान सम्मान को भी चमकाते हैं। ईस्ट दिशा भगवान सूर्य से रिलेटेड है, ईस्ट दिशा खुली हुई होनी चाहिए, खिड़की दरवाजे होने चाहिए, डार्क कर्टन्स नहीं होने चाहिए। आपके यहाँ पे ईस्ट गंदा नहीं होना चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कूड़ा घर नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि ईस्ट को जितना चमका के रखेंगे उतना आपका भाग्य चमकेगा, मान सम्मान का नुकसान कभी नहीं होगा अगर ईस्ट
खुला हुआ होगा। चलिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट जिसके लिए आप पूरी मेहनत करते हैं और जितना आप सोचते हैं अच्छे से अच्छी पोस्ट मिल जाए, क्योंकि इससे आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रही है और मान सम्मान आपका समाज में बढ़ रहा है, तो इसका ध्यान ज़रूर रखिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप लोग नज़रअंदाज करते हैं और आपके लिए नुकसानदेह होती है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे, आप देखते रहें अपना ये विशेष कार्यक्रम। तत्व और दिशाओं को समझना, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और जियोपैथिक स्ट्रेस को वास्तु में अप्लाई करते हैं डॉक्टर चावला। कई सौ ग्रंथों के ज्ञाता डॉक्टर पुनीत चावला ने 15 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं। डॉक्टर चावला का ये दृढ़ विश्वास है कि आपका भाग्य आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे दुख और सुख का 40% हिस्सा वास्तु की वजह से होता है। वास्तु ठीक करें तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर हम वास्तु को ठीक कर लें तो हमारा जीवन अत्यंत सरल हो जाता है।